Tonic Prem Katha and upbeat sanitized romance won the hearts of celebrities and audience as well as the loved Akshay Bhumi satirical comedy a lot. Bollywood industry have already given their verdict about the film. Now it's time to know that what the real critics means our Mumbai audience have to say about the film. एक नंबर थी अक्षय कुमार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग तो बढ़िया ही करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छा किया. भूमि और अक्षय की केमिस्ट्री एक नंबर थी. स्टोरी कैसी लगी आपको? स्टोरी टॉयलेट के ऊपर थी और अच्छी थी ना, सोशल के लिए, सोशल से मैसेज. फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, नया सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से टैकल किया है. स्टोरी आई वॉज वेरी क्यूरियस कि कैसे एंड करेंगे, पर काफ़ी लॉजिकल एंडिंग थी. और अक्षय और भूमि की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मुझे. उन्होंने एक्शन भी काफी अच्छा पकड़ा और काफी हंसाया. सो मैसेज यही मिला कि आज के ब्रज पूरा जो है उसमें जहाँ भी, जैसे गांव में जहाँ टॉयलेट्स नहीं है वहाँ पर होनी चाहिए टॉयलेट्स. ओके, भूमि और अक्षय की क्या बोलेंगे? अल्टीमेट केमिस्ट्री, अल्टीमेट. ओके, सुनने में भी आया फिल्म इंटरवल तक इंटरेस्टिंग है, बातें बोरिंग है? ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फुल मूवी इंटरेस्टेड है. मूवी की स्टोरी, एक्टिंग और दिव्येंदु शर्मा तो बहुत अच्छा लगा है, और अक्षय कुमार इज वेरी गुड एक्टर, और जो ब्रज भाषा की जो लैंग्वेज है वो भी एकदम बेस्ट है. दूसरी चीज़, भूमि पेडनेकर मराठी हैं, लेकिन कहीं से भी मतलब ये नहीं लगा कि वो नॉर्थ इंडियन, मतलब नॉर्थ इंडियन नहीं लगी हैं, बट मस्त किया एक्टिंग. म्यूजिक हसमत पगली प्यार हो जाएगा और गोरी लटमार, ये दोनों गाने सुपर. काफ़ी अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई देख के. मूवी बहुत शानदार मूवी, इस साल की ब्लॉकबस्टर में वाकई में अक्षय कुमार ने थोड़ी अच्छी मूवी बनाई है. बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही दोनों की और एक्टिंग भी अच्छी है दोनों की, मस्त है. स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी है, कॉमेडी से शुरुआत होती है और बीच बीच में भी बहुत अच्छा, जब सीरियस होता है तब भी कॉमेडी आ जाती है, तो बहुत अच्छा. आई थिंक कॉमेडी, थोड़ा सीरियस सीन भी है और एक बहुत ही अच्छा मैसेज है. म्यूजिक क्या कहेंगे? म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. हमारे जो प्रधानमंत्री है अभी, हम खुश नसीब है कि हमें इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले हैं, और ये जो जागरूकता फैला रहे हैं टॉयलेट की, गांव-गांव में बहुत तकलीफ है. आज भी औरतों को 3-4 बजे गाँव में जाना पड़ता है और दिन भर दबाना पड़ता है. इस मुद्दे को उठाया है और बहुत अच्छी तरह से फिल्मांकन किया है कि लोगों को समझ में आए कि वो क्या कहना चाहते हैं. जागरूकता फैलाने के लिए अक्षय कुमार तो ब्रांड एम्बेसडर है ही. आज समझिए तो आज मनोज कुमार को जो भारत कुमार बोला जाता था, मेरे हिसाब से अक्षय कुमार को भी भारत कुमार का दर्जा देना चाहिए. वेल, ऑडियंस अप्लॉडेड दिस सटायरिकल कॉमेडी. नाउ लेट्स सी हाउ मेनी स्टार्स दे वांट टू गिव. 5 में से 5. 4 सर. मेरी तरफ से तो 5 ही ले लो. 5 में से 5 स्टार. 3. 4.5. 5 भी दे सकते हैं. 5 स्टार. 5 में से 4 सर. Directed by Sri Narayan Singh, the movie also stars Anupam Kher in pivotal role.